हेलो दोस्तों, आज का प्रश्न बहुत ही खास होने वाला है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न आपको बहुत ही कम लोग बताते होंगे, ठीक है, इसलिए हम ऐसे प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मात्र हम कुछ ही सेकेंड आपके लेंगे, तो चलिए दोस्तों हम इसे फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BEND को 5%, 7 और एट द रेट लिखा हो, या और DREAM को एट द रेट 2%, 4.8 लिखा जाता है, तो MADE को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, किस भाषा में, उसी भाषा में, जिस तरह से ए सब लिखा हुआ है, ठीक है, उसी भाषा में हम इसे कैसे लिखेंगे, यही हमें सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, कैसे इसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या दिया है, बी क्या दिया हुआ है, BEND, ठीक है, BEND दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इसे कैसे लिखा है, 5%, 7 एट द रेट, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्या कर दिया है, बी के स्थान पे क्या कर दिया है, 5 कर दिया है, ठीक है, और ई के स्थान पे क्या कर दिया है, परसेंट कर दिया है, ठीक है, और एन के स्थान पे कितना लिखा है, 7 लिखा है, ठीक है, और डी के स्थान पे एट द रेट कर दिया है, ठीक है। देखिए, हमने क्रम वाइज लिख दिया, बी के नीचे क्या लिखा, 5 लिखा, और ई के नीचे परसेंट लिखा, ठीक है, और एन के नीचे 7 लिखा, और डी के नीचे एट द रेट लिखा, ठीक है। उसी प्रकार हम DREAM का भी करेंगे, तो देखिए DREAM, ठीक है, इसे कैसे लिखेंगे, देखिए दोस्तों, डी डी किस स्थान पे है, देखिए एट द रेट, ठीक है, एट द रेट हो जाएगा, ठीक है, और आर आर किस स्थान पे है, देखिए दोस्तों, ओ दो, ठीक है, और ई परसेंट पे है, ठीक है, और ए 4 नंबर पे, ठीक है, यम किस नंबर पे है, 8, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, क्रम वाइज सबको लिख लिया, पहले एट द रेट लिखा, ठीक है, आर 2 लिखा, ठीक है, ई परसेंट लिखा, और ए 4 लिखा, यम 8 लिखा, ठीक है। अब उसी प्रकार क्या किया है कि उसी भाषा में हम कैसे लिखेंगे, किसे, MADE को, देखिए क्या कर लेंगे, MADE, देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, इसी कोड में लिखना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यम यम कहाँ पर है, यहाँ पर, देखिए यहाँ पर यम है, ठीक है, तो एक किस स्थान पड़ा है, 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, ए फिर ए है, तो ए किस स्थान पड़ा है, 4, देखिए यहाँ दोस्तों, यहाँ पर क्या है, 4, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 4 लिख देंगे, ठीक है। और देखिए दोस्तों, अब डी, देखिए इसमें भी डी और इसमें भी डी, डी के स्थान पे क्या है, एट द रेट, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एट द रेट लिख देंगे, ठीक है, एट द रेट लिख देंगे, ठीक है, और ई के स्थान पे क्या लिखेंगे, देखिए ई के स्थान पे क्या है, देखिए दोस्तों, ई इसमें भी है और इसमें भी है, ई के स्थान पे क्या है, परसेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परसेंट। देखिए दोस्तों, क्या हो गया, 8, 4 एट द रेट और परसेंट, देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने क्या किया है, उसी कूट भाषा में लिखा है जिस कूट भाषा में ए सभी लिखे हुए हैं, ठीक है, तो हमने लिखा इसे, तो कितना आया, 8, 4, ठीक है, एट द रेट और परसेंट, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न बहुत ही आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या चुनना है, क्या करना है हमें, संबंधित संख्या चुनना है, ठीक है, और 4 ऑप्शन दिए हुए, इन्हीं में से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिया है, 36 का संबंध 324 से है, ठीक है, तो 49 का संबंध किससे होगा, यही हमें सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, 36 का हम क्या करें कि 324 आ जाए, देखिए दोस्तों, 36 किसका वर्ग है, 36 किसका वर्ग है, 36 6 का वर्ग है, ठीक है, 36 6 का वर्ग है, अगर हम 6 में क्या करें, 6 में हम क्या करें कि हमारा 324 आ जाए, देखिए क्या कर लेते हैं, मान लीजिए 6 × 3 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 18, और इसका वर्ग कर लेंगे, ठीक है, और 18 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 224, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, 6 में 3 से गुणा किया और इनका वर्ग कर दिया, तो हमारी संख्या कितनी आ गई, 324, ठीक है। तब उसी प्रकार हम करेंगे, देखिए ये 49 दिया हुआ है, ठीक है, 49 किसका वर्ग है, 7 का वर्ग है, ठीक है, देखिए 49 7 का वर्ग है, ठीक है, 7 का वर्ग है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 7 × 3
तीन कर देंगे, ठीक है, और इनका वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 7 3 कितना होता है 21। अगर हम 21 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 441। कितना आ जाएगा 441। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर 36 दिया हुआ है, ठीक है, और 36 6 का वर्ग होता है, ठीक है, तो हमने क्या किया, 6 में 3 से गुना कर दिया, ठीक है, और उसका वर्ग कर दिया, तो हमारी संख्या प्राप्त हो गई 324, ठीक है, इसके आने की संबंध हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर 49 दिया है, तो 49 किसका वर्ग है, 7 का वर्ग है, ठीक है, तो हमने क्या किया, 7 किया और उसमें 3 से गुना कर दिया, फिर इन दोनों का वर्ग कर दिया, तो हमारी संख्या कितनी आ गई 441, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 441, तो अपन ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या, दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे यहीं पर, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 5 14 30 और क्वेश्चन मार्क और 91, ठीक है। देखिए दोस्तों ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो चलिए दोस्तों हम इसे फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों इसमें कैसे श्रृंखलाएँ चल रही हैं, देखिए दोस्तों अगर 1 और 5 के बीच का अंतर कितना है, 1 में क्या कर दिया है 4 जोड़ दिया है तो 5 हो गया है, ठीक है, फिर 5 में क्या जोड़ा है 9 जोड़ा है तो 14 हो गया, ठीक है, फिर 14 में क्या जोड़ा है 16 जोड़ा है तो 30 हो गया है। यानी कि इस तरह से श्रृंखलाएं नहीं चलती हैं, ठीक है, श्रृंखलाएं चलती हैं क्रम वाइज, ठीक है। देखिए कैसे चलेंगी वही हमें सॉल्व करना है, तो चलिए दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 1 और 5, देखिए अगर हम 2 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, देखिए यहाँ पर आ गया 5, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, पहले तो 2 का वर्ग किए, ठीक है, अब 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 3 3 9 हो जाएगा, और 9 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, देखिए यहाँ पर अभी आ गया 14। देखिए पहले हमने 2 का वर्ग किया, फिर 3 का वर्ग करेंगे, अब किसका वर्ग करेंगे 4 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 चौक को 16 होता है, ठीक है, और हम 16 में 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है, देखिए यहाँ पर 30 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, 30 में हम किसका वर्ग करेंगे, यहाँ पर 5 का वर्ग करेंगे, ठीक है, 5 का वर्ग करेंगे, पहले 2 का वर्ग किया, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है 5 का वर्ग 25 आएगा, ठीक है, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, और 25 में हम 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा वो हमारा 55 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 55, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा 55। देखिए अब 55 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है 36 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, और प्लस कितना 55 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 91, देखिए यहाँ पर 91 दिया हुआ है। देखिए दोस्तों हमने क्या किया, पहले हमने 2 का वर्ग किया, ठीक है, 2 का वर्ग किया तो 4 आया, उसमें 1 जोड़ दिया तो 5 आ गया, ठीक है, फिर हमने क्या किया 3 का वर्ग किया, ठीक है, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है, 9 में हमने 5 जोड़ा तो 14 आ गया, ठीक है, तो 14 आ गया ना। अब 14 में हमने क्या किया, 4 का वर्ग किया तो 16 आ गया, और 16 में 14 जोड़ दिए तो 30 आ गया, ठीक है, यहाँ पर 30 आ गया। अब हमने क्या किया, 5 का वर्ग किया, 5 का वर्ग किया तो 25 आया, 25 में 30 जोड़े तो कितना आया 55 आया, कितना आया 55, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमने क्या भरा 55, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा 55। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको बहुत ही आसान समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, 196 और 169, 144, 121 और 80 में गलत संख्या क्या है। देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें गलत संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। तो देखिए दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मात्र कुछ ही सेकंड में। देखिए क्या किया है, 196 दिया है, 169 दिया, 144, 121। देखिए दोस्तों 196 किसका वर्ग है, देखिए दोस्तों 196 किसका वर्ग है, 14 का वर्ग है, 14 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 196 आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद 14 का वर्ग करेंगे 196 आ जाएगा, और देखिए दोस्तों 13 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 169, कितना आ जाएगा 169। अब उसी तरह हम 12 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 144, कितना आ जाएगा 144, ठीक है,
और देखिए फिर 11 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, और 121 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है 80। देखिए दोस्तों 80 किसी का वर्ग होता है, देखिए देखिए दोस्तों इनमें से चार संख्याएं किसी ना किसी का वर्ग है, ठीक है, और 80 किसी का वर्ग नहीं है, ठीक है। तो आने की गलत संख्या हमारी कौन सी है, 80, ठीक है। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों 196 14 का वर्ग है, ठीक है, और 169 13 का वर्ग है, 144 12 का वर्ग है, 121 11 का वर्ग है, ठीक है, और 80 किसी का वर्ग नहीं है, तो 80 हमारा गलत संख्या हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न बहुत ही आसान से आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पाँचवें क्या है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर है, ठीक है, इसी को हमें सोल्व करना है, और चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो चलिए दोस्तों इसे हम फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया, 3, 6, 12, 15, 30, 33 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ऐसे प्रश्न को ऐसे सोल्व करेंगे। देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया है, 3 में क्या किया है, 3, 3 में 3 जोड़ दिया तो 6 हो गया, ठीक है, फिर 6 में क्या किया है, 6 में 6 जोड़ा है तो 12 हो गया है, फिर 12 में क्या किया है, 12 में 3 जोड़ा है तो 15 हो गया, ठीक है, फिर 15 में क्या किया है, 15 जोड़ा है तो 30 हो गया है। देखिए दोस्तों इस तरह से श्रृंखलाएं नहीं चलती हैं, देखिए कैसे श्रृंखलाएं चलेंगी। देखिए दोस्तों क्या किया है इसमें, इसमें क्या किया है, इसमें दो श्रृंखलाएँ चल रही हैं, क्या इसमें दो श्रृंखलाएँ चल रही हैं, क्या दो श्रृंखलाएँ चल रही हैं, देखिए वो कैसे चल रही हैं। देखिए पहले 3 में क्या किया, 3 में 3 जोड़ा तो 6 हो गया, ठीक है, फिर 6 में क्या किया, 6 में क्या किया, 6 में 2 से गुना कर दिया तो कितना हो गया, 12। पहले तो 3 में 3 जोड़ा तो 6 हो गया, फिर 6 में 2 से गुना किया तो 12 हो गया, फिर क्या किया, 12 में 3 जोड़ा तो 15 हो गया, ठीक है, 12 में 3 जोड़ा तो 15 हो गया, ठीक है, अब क्या किया, 15 में 2 से गुना किया तो 30 हो गया, देखिए यहाँ पर 30 हो गया। अब क्या किया है, देखिए 30 में फिर 3 जोड़ दिया है तो क्या हो गया है, 33 हो गया है, यानी कि पहले 3 जोड़ा तो 6 हो गया, ठीक है, उसके बाद 6 में 2 से गुना किया तो 12 हो गया, ठीक है, उसके बाद 12 में 3 जोड़ा तो 15 हो गया, फिर 15 में 2 से गुना किया तो 30 हो गया, फिर 30 में 3 जोड़ दिया तो 33 हो गया, ठीक है, अब क्या करेगा, 33 में 2 से गुना करेगा तो कितना आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 66 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 66। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें क्या किया, पहले 3 जोड़ा, ठीक है, तो 6 आया, 6 में 2 से गुना किया तो 12 आया, ठीक है, 12 में 3 जोड़ा तो 15 हो गया, ठीक है, 15 में 2 से गुना किया 30 हो गया, ठीक है, 30 में हमने 3 जोड़ा तो 33 हो गया, 33 में 2 से गुना किया तो 66 आ गया, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ गया, 66, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये पांचों प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।